अरे बाप रे बाप, आपने देखा मालिक मिट्टी में कितने ज्यादा घास और पत्थर है। अरे अच्छी तरह से चुन चुन कर सारे पत्थर टोकरी में रखो रे बुद्धू। और ये घास? वो तो तुम ही खा लो बुद्धू। मैंने सुना है गाय को घास खाना बहुत अच्छा लगता है। तुम बेकार में दिए की आग बढ़ाने के लिए तेल मत डालो। मालिक मालिक, गाड़ी की तरह दिए में भी तेल डालना पड़ता है क्या? इस तरह के एक बेवकूफ नौकर को हर महीने पैसे देकर आखिर अपने पास रखने की जरूरत क्या है? किसने कहा कि बुद्धू बेवकूफ है? और पैसे तो मेरे लग रहे हैं ना, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? मालिक ने सही कहा, मेरा दिमाग भी उस दिए की तरह ही है मंगल भाई, तेल डालने के बाद ही चलता है। ओ, अच्छा है, मेरा नाम भी मंगल भाई है, बुद्धू सच में गाय ही है, ये मैं साबित करके ही रहूँगा। हाँ, मैं भी यहाँ सारे गांव वालों के सामने ही बोल रहा हूँ कि बुद्धू तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। और बुद्धू गाय नहीं है बल्कि तुम ही बैल हो। हाँ, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। समझे बुद्धू, सारे गांव वालों के सामने मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया है कि तुम गाय नहीं हो, इसीलिए बेवकूफों की तरह ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे सारे गांव वालों के सामने मेरा सिर झुक जाए। समझ में आया? इसीलिए कोई भी काम करने से पहले 100 बार अच्छी तरह सोचना, समझे? समझ गया, लेकिन मालिक 100 बार सोचने में तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा फिर। ओफो, मेरा तो दिमाग का तही बन गया है। अरे वाह, वो रहा, वो बुद्धू तो इधर ही आ रहा है। बिना पैसे दिए मैं बुद्धू से ही सारे आम तुड़वा लूंगा। ए, ए बुद्धू बुद्धू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ दूध और फूल के लिए। मालिक हर दिन सुबह उठने के बाद नहाकर ऊपर वाले को ये सब चढ़ाते हैं। देखो जरा, लगता है सारे पुण्य तुम्हारे मालिक ही कमा लेंगे, तो फिर तुम क्या करोगे बुद्धू? मैं क्या बताऊँ, पुण्य कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये तो मुझे नहीं पता। मैंने सुना है सुबह सुबह आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने से बहुत पुण्य मिलता है। सच में? तो फिर मैं अभी तुरंत ही झट से पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ देता हूँ मंगल भाई, अभी के अभी। अरे वाह, मछली जाल में फंस चुकी है। सावधानी से तोड़ना बुद्धू, मैं तब तक थोड़ी देर टहल कर आता हूँ, ठीक है? देखो 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 देखो, अरे सुबह सुबह पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहे हो बुद्धू? पुण्य कमा रहा हूँ भाई, पुण्य। मंगल भाई ने कहा है कि उनके बगीचे के आम तोड़ने पर बहुत पुण्य मिलता है। हाँ। अच्छा, तो फिर चलो हम लोग भी पुण्य करके आते हैं। हाय 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 हाय,
रातों दिन दहाड़े ही डकैती हो रही है। आपने ही तो बुद्धू से कहा था कि आपके पेड़ के आम तोड़ने पर पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग भी पुण्य करने आए हैं। हम लोग पुण्य कर चुके हैं, अब चलो भाई हम लोग आम लेकर घर जाते हैं। बुद्धू रुको रुको, इस बार मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम तो वो पूरी जिंदगी भूल ही नहीं पाओगे। देखो भला, मैं क्या उन लोगों को पुण्य करने के लिए उनके घर से बुलाकर लाया था? मैं बोल रहा हूँ, भाग यहाँ से। अरे ओ रघुराम, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हो भाई? जहन्नुम में जा रहा हूँ, अगर आप जा रहे हो तो अपना कैंसिल कर दूँ। देखकर तो लग रहा है कि रघुराम शहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अभी रास्ता साफ है, यही सही मौका है। देखते ही चौका मारना पड़ेगा। हाय 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 हाय, सब बर्बाद हो गया। बुद्धू राम, सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे मालिक का सर घूम गया है भाई। तो क्या हुआ, मालिक कहते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती है। तो पृथ्वी पर रहने पर इंसानों का सर तो घूमेगा ही ना? हाँ, वो तो घूमेगा ही। अरे ये घूमना वैसे घूमने की तरह नहीं है, तुम्हारे मालिक चक्कर खाकर गिर गए हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तुम जाओ, तुम अभी तुरंत घर जाकर घर पर जितने भी रुपए पैसे हैं, सोना चांदी है, सब कुछ लेकर हॉस्पिटल चले जाओ, वरना तुम्हारे मालिक का इलाज नहीं हो पाएगा भाई। ये क्या बोल रहे हो, मालिक मालिक? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मालिक, जब तक ये बुद्धू जिंदा है आपको कुछ नहीं होने देगा मालिक। चारों तरफ अभी बहुत चोरी हो रही है, बुद्धू राम को इतने सारे रुपए पैसे सोना चांदी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चोर इसे रास्ते में ही सब कुछ छीन लेंगे। ये सब क्या, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है? चोरी हुई है। क्या चोरी? आय 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 आय, मेरे सारे रुपए पैसे सोना चांदी। पुलिस चोरों के पीछे पड़ गई है, वो जैसे ही पकड़ में आएंगे आपको आपका सब कुछ वापस मिल जाएगा। मैंने तो पूरे अस्पताल देख लिए लेकिन मालिक का कुछ पता नहीं चला। अरे ये क्या, इतने सारे लोग हमारे घर के सामने क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? अरे ओ बदमाश बुद्धू, तुम इतनी देर तक कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हो? मालिक आप, आपको तो चक्कर आ गया था ना, इसलिए तो मैं ये सब लेकर आपको ढूंढने गया था। इसका मतलब कि पहले से ही बुद्धू राम ने घर के सारे रुपए पैसे सोना चांदी हटा लिए थे। शाबाश बुद्धू राम। देखा 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 सब देखो, मेरा बुद्धू कितना बुद्धिमान है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस बार भी ये बाल बाल बच ही गया। अरे वाह 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 वाह, अब तो मैं बड़ा आदमी बन ही जाऊंगा, आज कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं
मंगल भाई, आपने कुछ बोला क्या? ऐसी बात है क्या? सभी के सामने चिल्लाकर बोली जाती है बुद्धू, कान में बोलना पड़ता है। इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ आओ। क्या कान में बोलने पर बहुत गुदगुदी हो रही है? आप थोड़ा दूर से ही बोलिए। अच्छा अच्छा, तो सुनो, इस गांव में जितनी भी चोरी हो रही है तो सारे चोरी किए हुए सोना चांदी कहाँ है जानते हो? मेरी जमीन के नीचे है। मैं तुम पर भरोसा करके ये बात बता रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर मत बोलना, समझे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी चिल्लाकर नहीं बोलूंगा मंगल भाई। ये बुद्धू सोने चांदी की लालच में मेरे जमीन की खुदाई कर देगा और ऐसे मुझे मजदूरों को खुदाई के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कुछ देर पहले ये आदमी एक सुनार दुकान में चोरी करके बहुत सारा सोना चांदी लेकर भाग गया है। आप लोगों ने इसे देखा है? अरे नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन वो सोना चांदी कहाँ है ये मैं जानता हूँ सर। आइए आइए, आपके कान में बताता हूँ। बिल्कुल भी भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या गई भैंस पानी में? अरे अरे नहीं 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 नहीं, मेरी बात मानिए सर, मैंने तो बुद्धू से ये सब मजाक में कहा था। मुझे क्या बेवकूफ समझे? चलो पुलिस स्टेशन। थैंक यू बुद्धू राम, सच में तुम्हारे जितने बुद्धिमान इंसान बहुत ही कम है। शाबाश बुद्धू, शाबाश। इस बार तुमने तो मंगल को पूरा मंगल ग्रह ही दिखा दिया है। बड़ी अजीब बात है। सच में कैसे कब क्या हो जाता है मुझे तो समझ ही नहीं आता है। चीयर्स फॉर बुद्धू राम। ए पे पुरा। मैं जाऊंगा।